नर्मदे हर। प्यारे भक्तों, नर्मदाष्टक मेरा मालवा और निमाड़ में जो मैंने 95 में गाया था, आप सभी ने लाखों की संख्या में उसे प्यार दिया और बड़वा खेड़ी घाट के मेरे तमाम 1995 से लेके आज तक के कार्यक्रम सभी आप YouTube पर Facebook पर देखते ही हैं। बहुत आशीर्वाद मिलता है माँ नर्मदा का और आपका। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक नर्मदीय ब्राह्मण होते हुए और माँ नर्मदा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और नर्मदा अष्टक को मैंने निमाड़ मालवा गुजरात तक लोगों की जुबान पर लाने का प्रयास किया। जबलपुर कुवारी घाट पर भी सुबह सुबह नर्मदा अष्टक और शाम को माँ सुनती हैं और मेरे दोस्त मुझे सब बताते हैं कि देखो आपका अष्टक चल रहा है, फोन पे सुनाते हैं। उन्हीं मेरे जबलपुर और तमाम दोस्तों की का मुझसे आग्रह था कि आप इस नई पीढ़ी को नर्मदा के बारे में जानने के लिए कुछ ऐसा मैटर डालें कि सबको अच्छा लगे, समझ में आ जाए। तो आज हम नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में और तमाम चीजों के बारे में विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले माँ नर्मदा की आराधना में उनका आह्वान करेंगे। यदि आप सुन रहे हैं और ना माँ नर्मदा के भक्त हैं तो नर्मदा माँ का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को अपने जोड़ लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए है ईयरफोन लगाकर। नमो नर्मदाय निजानंदाय नमः शर्मदाय हरम दर्शिकाय। नमो नर्मदाय वराभीतिराय नमः शर्मदाय अरण्यदर्शिकाय। जयतु नर्मदे जयतु वर्मदे तीर्थजननी है अम्बे माँ। जयतु नर्मदे जयतु शर्मदे सुखदायिनी शिव गंगे माँ। जयतु नर्मदे जयतु हर्म्यदे हर हर विपद हमारी माँ। तेरे पद पंकज मेरे वा सदा वंदना मेरी माँ। नमोस्तु ते पुण्य जले नमोन मकर गामिनी नमस्ते पाप मोचिन्ये नमो देवी वरानने। नर्मदावादिनांच वंदे दुर्जे नर्मदे हर हर नर्मदे। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, नर्मदे हर। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो आइए बात करते हैं आज नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में। हमारे वरिष्ठ जन सभी जानते हैं, लेकिन जो आज मैं कहने जा रहा हूँ वे सभी के लिए है कि जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं हमारे उन्हें विस्तृत और पुख्ता जानकारी प्राप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार नर्मदा की उत्पत्ति
शिव से मानी जाती है। बोलिए ओम नमः शिवाय। मेकल पर्वत पर भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, तब उनकी पसीने की बूंद मेकल पर्वत पर गिरी। उस बूंद से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या भी महादेव के सामने तपस्या करने बैठ गई। जब भगवान शंकर की तपस्या पूरी हुई और उनकी आंख खुली तो वे कन्या को देखकर बहुत खुश हुए और उसका नामकरण नर्मदा के रूप में कर दिया और वरदान दिया कि संसार में चाहे प्रलय भी आ जाए लेकिन तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा और संसार में पाप नाशनी नदी के नाम से तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे किनारे पर जो पत्थर रहेंगे वे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाएंगे और बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजे जा सकेंगे। विद्वान कहते हैं कि नर्मदा से बाण लिंग प्राप्त करने के उपरांत पहले उसकी ग्राह्यता की परीक्षा करें। सर्वप्रथम बाण लिंग को चावल में ठीक से तोलें और फिर उसे दोबारा तोलें और दोबारा तोलने पर अगर बाण लिंग का वजन हल्का निकले तो वो शिवलिंग गृहस्थों के लिए पूज्य होगा। विश्व में हर शिवलिंग शिव मंदिर में नर्मदा से निकलने वाले शिवलिंग ही शोभायमान है। कुछ श्रद्धालु अन्य पाषाण से निर्मित शिवलिंग की स्थापना भी करते हैं किंतु ऐसे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि नर्मदा से जो शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजित है विद्वान कहते हैं कि उन्हें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके उन्हें नर्मदा से मिले शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। और विद्वान लोगों का यह भी कहना है कि गंगा में विवेक ज्यादा है और भावुकता कम है, यमुना में भावुकता ज्यादा है और विवेक कम है, लेकिन नर्मदा में विवेक और भावुकता का सही तालमेल है। यही कारण है कि मां नर्मदा के तट पर उत्तर के आर्यों की विचार प्रधान संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ों की आचार प्रधान संस्कृति का समन्वय हुआ है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कहलाएंगे वे बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजे जा सकेंगे और ये भी वरदान दिया कि तुम्हारे तटों पर शिव पार्वती सहित सारे देवता निवास करेंगे। नर्मदा किनारे सभी देवताओं की कॉलोनी होती है, ये ध्यान रखिए। बच्चों को सरल रूप में यही समझाया जा सकता है, सारे संसार में तुम एक ऐसी नदी होगी जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। मेखल पर्वत पर नर्मदा का प्राकट्य हुआ था इसलिए मां मेकल सुता कहलाई। पुराणों में कथा आती है कि जब नर्मदा बड़ी हुई तो राजा मेकल को अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई, जैसी हर बाप को हुआ करती है। राजा ने अपनी रूपवान अति सुंदर बेटी के लिए वर खोजना आरंभ किया और घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमार मेरी बेटी को गुलाब कावली के फूल लाकर देगा उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। यह बड़ा बहुत ही कठिन शर्त थी। अनेक राजाओं ने शर्त पूरी करने का प्रयास किया परंतु वे पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में एक राजकुमार सोनभद्र ने वीरतापूर्वक ये शर्त पूरी कर दी। सोनभद्र की वीरता से राजा मेकल बहुत प्रसन्न हुए और उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी हो गए। देवी नर्मदा ने अभी तक सोनभद्र को देखा भी नहीं था लेकिन उसकी वीरता के बड़े चर्चे सुन रखे थे। मां नर्मदा के मन में सोनभद्र से मिलने की इच्छा हुई। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी जुहिला को बुलाकर कहा
कि मैं राजकुमार सोनभद्र से मिलना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम ये संदेशा लेकर जाओ। दासी जुहिला ने कहा, माँ मेरे पास अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं है, आप मुझे अच्छे वस्त्र और आभूषण दे दीजिए जिन्हें पहनकर मैं राजकुमार के पास संदेशा लेके जाऊंगी। नर्मदा ने दासी की विनती सुनकर अपने वस्त्राभूषण सभी उसे दे दिए जिससे कि वह उसका संदेशा ले जा सके। जुहिला जब माँ नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार का रूप और उसके गुणों को देखकर मोहित हो गई और अपना दिल हार बैठी। उसने अपना परिचय माँ नर्मदा के रूप में दिया। राजसी वेशभूषा और थाट बाट में आई दासी को राजकुमार सोनभद्र भी उसे नर्मदा समझने की भारी भूल कर बैठे और उन्होंने भी अपना प्रेम प्रस्ताव जुहिला के ऊपर प्रकट कर दिया। जुहिला ने भी प्रेम के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और जब राजमहल से जुहिला को गए काफी समय हो गया तब माँ नर्मदा के सब्र का बांध टूटने लगा। तब उन्होंने खुद ही जाकर देखने का मन बनाया और नर्मदा खुद ही वहां पहुंच गई जिस जगह उन्होंने दासी को भेजा था। जहां वे नर्मदा पर पहुंची, जब वे पहुंची वहां तब उन्होंने दोनों को जिस प्रकार प्रणय निवेदन करते देखा तो उनका मन कांप उठा, शोक संतप्त हो उठा। माता बहुत दुखी हो गई और माता को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वे अपमान की आग में जल उठी और फिर उन्होंने कभी वहां न आने का निश्चय कर लिया और वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी। सोनभद्र को भी समझ में आ चुका था, वे दासी की चालाकी समझ चुके थे। वे नर्मदा को पुकारते हुए उसके पीछे दौड़े, उनको लौट आने की विनती करने लगे, लेकिन माँ नर्मदा ने एक बार सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया और युवावस्था में ही सन्यासिनी का वेश धारण कर लिया। लज्जित और निराश सोन पूर्व की ओर गया। नर्मदा चिरकुमारी कहलाई, इसलिए श्रद्धालु नर्मदा को अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं और परिक्रमा भी उसकी होती है। भारत में नर्मदा ही मात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा भिक्षा मांगते हुए नंगे पांव करनी पड़ती है और नियमानुसार करने पर इसमें 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी ये कठिन परिक्रमा करती हैं। नर्मदा की यह परिक्रमा प्रकृति के सौंदर्य से भी रूबरू करवाती है। तो फिर वहीं आते हैं, माँ ने युवावस्था में ही सन्यासिनी का वेश धारण कर लिया। भारत की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है लेकिन माँ नर्मदा पश्चिम की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पहाड़ियां आती गई, माँ नर्मदा ने उनमें से अपना रास्ता बनाती चली गई और आगे बढ़ती गई। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा के समय कहीं कहीं नर्मदा माँ का करुण विलाप सुनाई देता है और वह अरब सागर में समा जाती है। माँ नर्मदा का दर्शन करने वाले भक्त चिरकुमारी माँ नर्मदा का सात्विक तेज चारित्रिक सौंदर्य महसूस करते हैं। हमारे देश की बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है लेकिन माँ नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ गुस्से में दौड़ते हुए अरब सागर में समा गई। पुराणों में कहा गया है कि जो पुण्य गंगा जी में स्नान करने से मिलता है वो पुण्य नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा मैया ने एक बार दुखी होकर भगवान के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर इतने सारे पापी मुझ में स्नान करते हैं, उसके कारण मैं दूषित हो गई हूं, मैं क्या करूं? तब प्रभु ने कहा, देवी आप नर्मदा जी में स्नान कर लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और तब से ये मान्यता है कि विशेष पर्वों पर गंगा मैया भी नर्मदा में स्नान करने आती है। माँ नर्मदा से कोई भी मनोती मांगो माँ पूरी कर देती है।
इसकी गणना देश की 7 पवित्र नदियों में की जाती है। एकमात्र नर्मदा नदी ही ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर के पास मध्य प्रदेश का एक इलाका है, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ है। अमरकंटक से निकलती और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसका वर्णन रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण में भी आता है। इस पर पुराण भी लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया कि प्रलय काल में भी चिरस्थाई रहेगी। इस नदी का एक नाम रेवा भी है। नर्मदा के तट पर विश्व के बहुत बड़े बड़े 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं। सरदार सरोवर डैम जिसकी ऊंचाई 17,929 किलोमीटर है। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर इसी के तट पर विराजमान है। माघ शुक्ल की सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। ऐसी जीवनदायिनी माँ को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। प्यारे भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती है और इसी दिन को नर्मदा नदी के जन्म दिवस या उसके रूप में मनाया जाता है। कहते हैं जो पुण्य की प्राप्ति गंगा नदी के पावन जल में नहाने से होती है, वही पुण्य नर्मदा में नहाने से भी मिलता है। भगवान शिव ने नर्मदा को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से नदी रूप में बहने और लोगों के पाप हरने का आदेश दिया था। नर्मदा की इसी अवतरण तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर माँ नर्मदा भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं कैसे लोगों के पापों को हर सकती हूँ। तब भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें सभी पापों को नष्ट करने की, हरने की क्षमता सदैव रहेगी। इसलिए नर्मदा का महत्व बड़ा इम्पोर्टेंट है और नर्मदा भारत की 7 प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। गंगा के बाद नर्मदा का ही महत्व है। पुराणों में जितना नर्मदा के लिए लिखा गया है उतना और किसी भी नदी पर नहीं लिखा है। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरा नर्मदा पर ही केंद्रित है। पुराणों में ये वर्णन है कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। तीर्थाटन की दृष्टि से भी नर्मदा अन्य नदियों की तुलना में श्रेष्ठ है। अमरकंटक से सागर संगम तक इसके किनारे 10 करोड़ तीर्थ है। पुराणों में विभिन्न स्थानों पर वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूत मुनि, मार्कंडे इत्यादि ने नर्मदा की लोकोत्तर महिमा का बखान किया है। भगवान विष्णु ने उसे मृत्यु लोक की वैतरणी कहा है तथा ब्रह्मा ने संसार की पापनाशिनी नदी कहकर संबोधित किया है। अब नर्मदा का महत्व क्या है? नर्मदा जयंती पर माँ नर्मदा की पूजा की जाती है। भारत में नर्मदा जयंती को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सन 1995 से लेकर इस 2020-19 तक भी मैंने लगातार हर वर्ष में ही हिंदुस्तान के तमाम कोनों में रहा, केंद्रीय विद्यालय के जॉब में, लेकिन माँ नर्मदा ने मेकल संस्था के माध्यम से मुझे वहाँ बुलाया। आरती, अष्टक और तमाम भजनों के साथ 6 दिन तक लगातार माई का गुणगान हमने किया है। YouTube पर ये सभी उपलब्ध हैं। आप नर्मदा अष्टक अगर गूगल पे बोलेंगे तो आपको पूरे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। इस त्यौहार को मध्य प्रदेश के अमरकंटक में भी धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी स्थान से माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। ये त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है और भारत में 7 नदियों को अत्यधिक मान्यता दी गई है। उन्हीं में से नर्मदा भी एक महत्वपूर्ण नदी है।
गंगा की तरह नर्मदा में भी स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, और भगवान शिव ने नर्मदा नदी को देवताओं के भी पाप धोने का वरदान दिया था, इसलिए नर्मदा नदी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो प्यारे भक्तों, मेरा ख्याल है नर्मदा के बारे में संपूर्ण जानकारी आ ही गई है, और अब आप कभी भी नर्मदा के किनारे जाएं, स्नान करें, अगर प्रातःकाल है तो सूर्य को भी अर्घ दें नर्मदा के जल से, 5-7 रुपए का दूध भी चढ़ाएं। एक और बड़ा अच्छा उपाय है कि हर अपने बच्चों की सुख विद्यावृत्ति और उन्हें ज्ञानवान और अच्छे भविष्य बनाने के लिए कम से कम 5 साल की उम्र तक हर अमावस पूर्णिमा को 1 किलो गुड़ की भेली गोल आता है, 1 किलो गुड़ या तो अपने बच्चे के हाथ से डलवाएं, या बच्चा नहीं जा सकता तो आप उसके हाथ लगवा कर छुलवा कर और नर्मदा में मछलियों को डालें। मछलियों से बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है, और मछलियों को यदि आप गुड़ डालते हैं तो आपके बच्चों को इतना आशीर्वाद मिलता है, उनका बुद्धि विकास, उनका भविष्य बहुत ही सुंदर होता है, वे स्वस्थ रहते हैं, माँ नर्मदा का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम उन जीवों को भोजन कराते हैं जिन्हें मछली कहा जाता है और जो नर्मदा की गोद में रहती है। तो स्नान करें, स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें और एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर या नर्मदा जल छिड़क कर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और माँ नर्मदा की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माँ नर्मदा को सफ़ेद फूल, फल और सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित करें। ये सब अर्पित करने के बाद माँ नर्मदा के आगे गाय के घी का दीपक जलाएं और माँ नर्मदा की विधिवत पूजा करें। इसके बाद नर्मदा के मंत्रों का, अष्टक का जप करें, उनकी कथा को सुनें, और यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो मात्र ओम नमो नर्मदाय नमः, ओम नमो नर्मदाय नमः और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपने कथा सुनी है तो उसके बाद माँ नर्मदा की जय जगदानंदी आरती उतारें। भक्तों, आप मेरे वीडियोस में देखेंगे कि जब मैं नर्मदा की आरती गाता हूँ तो 1.25 लाख लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि एक सुई भी गिराई जाए तो उसकी आवाज़ आती है। ऐसा सुंदर खेड़ी घाट जहाँ 1.25 लाख लोग होने के बाद भी सभी खड़े होकर और माँ नर्मदा की आरती और अष्टक का गान करते हैं मेरे साथ, उस स्वर्ग सुख को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं माँ नर्मदा का, शिव जी का आभारी हूँ। इसके बाद सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और फिर संपूर्ण पूजा के अंत में माँ नर्मदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि माँ, यदि आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी पूजन, आपकी आरती, आपकी महिमा गान में कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना माँ। तो माँ नर्मदा की संपूर्ण जानकारी देने का मैंने प्रयास किया शब्दों के माध्यम से, एक बार पुनः मेरे साथ बोलिए, ओम नमो नर्मदाय, ओम नमो नर्मदाय नमः। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, ओम नमो नर्मदाय नमः।